how we create first program using core PHP. Core PHP के थ्रू हम पहला प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमारा सेशन है, ये हमारा लेक्चर है. इसके लिए पहले नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंस्टॉल XAMPP सर्वर इन योर मशीन. आपको अपने मशीन पे XAMPP सर्वर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए सिंपल आपको, यदि आपके पास मशीन पे XAMPP सर्वर नहीं है तो सिंपल गूगल में जाओ आप और यहाँ से आप XAMPP को डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन डाउनलोड XAMPP फ्रॉम देयर, सिंपली राइट हियर, ओके, google.com, यू कैन राइट हियर XAMPP डाउनलोड. ठीक है, जैसे आप XAMPP डाउनलोड लिखोगे तो यहाँ पर डाउनलोड XAMPP इसका पर्टिकुलर आपको क्या मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा. आपको जो भी XAMPP आपको डाउनलोड करना है वो XAMPP आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर 64 बिट. ठीक है, और फॉर 32 बिट आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो. ध्यान रखना कि XAMPP का जो 64 बिट जो मॉडल है वो आपको विंडोज़ के लिए नहीं मिलेगा. विंडोज़ के लिए आपको XAMPP का 32 बिट मॉडल ही बनाया गया है, मतलब सॉफ्टवेयर ही नहीं बनाया गया तो आपको मिलेगा भी नहीं. हाँ, 32 बिट वाला 64 बिट में चल जाता है, 64 बिट वाला 32 बिट में नहीं चलता है, ध्यान रखना. ठीक है, तो यहाँ पर आप 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, तो अभी लेटेस्ट जो PHP का चल रहा है कौन सा चल रहा है, 7.3. आप इसको सिंपल यहाँ पर जा करके इसको डाउनलोड करो. ठीक है, 7.3 इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ. ठीक है, इसके बाद ये .exe फाइल है और .exe फाइल मेरे ख्याल से पता है आपको कि .exe फाइल कैसे इंस्टॉल करते हैं. सिंपल नेक्स्ट 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 करके आप उसको इंस्टॉल करो. ठीक है, तो कोई भी बहुत इजी वे में XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर सकता है. सेकंड स्टेप, XAMPP यदि आपका इंस्टॉल है, इसके बाद आपको ओपन XAMPP कंट्रोल पैनल, इसके बाद आपको XAMPP का जो कंट्रोल पैनल होता है उसको आपको ओपन करना है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, XAMPP का कंट्रोल पैनल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, XAMPP का कंट्रोल पैनल बोलते हैं. ये कंट्रोल पैनल आपके सामने शो हो रहा है. ठीक है, ये आपका ओपन होना चाहिए. और उसके बाद एंड स्टार्ट अपाचे सर्वर, इसके बाद आपको अपाचे सर्वर क्या करना है, स्टार्ट करना है. अपाचे सर्वर आपका यदि स्टार्ट हो गया तो ये येलो मार्क हो जाएगा. येलो हो गया मतलब देयर मीनिंग इज दैट कि ये स्टार्ट. After that, अब थर्ड स्टेप, अब अपने को प्रोग्राम करने की जरूरत है. ओपन नोट पैड, आपको सिंपल नोट पैड ओपन करना है. ठीक है, एंड राइट कोड, ओपन नोट पैड एंड राइट कोड, आपको नोट पैड ओपन करके कोड लिखना है. जैसे मैं यहाँ पर नोट पैड सिंपल ओपन किया. ठीक है, कोड मुझे लिखना है PHP का, सिंपल कोड मुझे एक वेलकम कोड लिखना है PHP. यहाँ पर आ जाएगा इको वेलकम इन PHP स्क्रिप्ट. यहां पर मैंने इसको देखो, ये PHP का ओपनिंग टैग होता है और ये PHP का क्लोजिंग टैग होता है. ठीक है, PHP के मोस्टली दो टैग होते हैं, एक शॉर्ट टैग और एक यूनिवर्सल टैग. तो ये PHP का कौन सा टैग है, यूनिवर्सल टैग. यूनिवर्सल टैग इन द सेंस कि ये सभी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा, सभी टाइप के सर्वर को सपोर्ट करेगा. ठीक है, अब यदि आपके मशीन पे XAMPP है तो XAMPP का जो डिफॉल्ट पाथ होता है वो क्या होता है, आपको कहाँ पे जाना है, सी ड्राइव में जाना है. सी ड्राइव में जाने के बाद कहाँ पे जाना है आपको, XAMPP में जाना है. XAMPP में जाने के बाद कहाँ पे जाना है आपको, htdocs में जाना है. और यहाँ पर आप एक फोल्डर बनाइए, न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर नाम दे दिया PHP प्रोजेक्ट, किसी भी नाम से बना सकते हो. और PHP प्रोजेक्ट के अंदर जा करके मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने example1.php. अब आप देख रहे होंगे कि मैंने डबल कोड में पूरा दिया है. क्यों दिया डबल कोड में, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, यदि आप डबल कोड के अंदर पूरा नाम देते हो तो अपेंड नहीं करता कौन सा, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन. जैसे इसमें यदि मैं डबल कोड के अंदर नहीं दूंगा तो ये क्या करेगा कि example1.php.txt कर लेगा, लास्ट में क्या जोड़ लेगा, .txt. ठीक है, इसलिए यदि आप डबल कोड में नहीं देना चाहते फिर आप यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करो. एक ऑप्शन ये, क्या सेलेक्ट करो, ऑल फाइल. मुझे ऑल फाइल सेलेक्ट नहीं करना है, मैंने सिंपल इस प्रोग्राम को डबल कोटेशन के थ्रू क्या कर दिया, सेव कर दिया. इसका नाम क्या दे दिया, example1.php. ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया. क्या किया, सेव कर दिया. अब आप जाकर के देख भी सकते हो कंप्यूटर के अंदर,
सी ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर, एच टी डॉक्स के अंदर आपका फोल्डर बना होगा यहाँ पर पी एच पी प्रोजेक्ट के नाम से, ये फोल्डर है। इसके अंदर देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया पी एच पी फाइल। यदि ये पी एच पी फाइल में सेव हुआ तो पी एच पी फाइल लिखेगा, यदि सेव नहीं हुआ तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यदि लिखा है वो गलत है, आपका क्या लिखा होना चाहिए, पी एच पी फाइल लिखा होना चाहिए। इसलिए जब भी पी एच पी के फाइल को सेव करोगे कैसे करोगे, डबल कोट, कुछ भी नहीं सेव करो तो डबल कोट लगाओ, डबल कोट बाद में लगाओ और एग्जाम्पल वन डॉट पी एच पी लिख दो। कोई भी टेक्नोलॉजी, आपको जावा में भी कोई प्रोग्राम सेव करना है, डबल कोट लगाओ डेमो वन डॉट जावा, तो कभी भी नीचे डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन अपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम डबल कोट नहीं लगाते और ऑल फाइल सेलेक्ट नहीं करते, पी एच पी फाइल बन गई, हम उसको रन करते हैं तो पूरा कोड दिखने लग जाता है पी एच पी का ही। द रीजन इज दैट वो कोड आपका पी एच पी में सेव नहीं हुआ है। आप टेस्ट कर सकते हैं, यदि यहाँ पर पी एच पी फाइल लिखा हुआ आ गया, देयर मीनिंग इज दैट कि आपकी पी एच पी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, आप क्या करना है, हमने पी एच पी कोड बना लिया, ठीक है, ओपन नोट पैड एंड राइट कोड। फोर्थ स्टेप में आपको रन पी एच पी प्रोग्राम टू ओपन वेब ब्राउजर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लाइंट। वेब ब्राउजर्स आपको ओपन करना है या क्लाइंट ओपन करना है, एंड टाइप यू आर एल लोकल होस्ट, लोकल होस्ट मतलब होता है लोकल सर्वर। अभी आपका जो सर्वर है ना अपाचे, इस सर्वर का जो नेम है उसका नाम क्या है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट जैसे लिखते हो तो आप कहाँ पहुंच जाते हो, सी ड्राइव जैम्प एचटी डॉक्स तक पहुंच जाते हो। कि लोकल होस्ट किसको पॉइंट करता है, सी ड्राइव जैम्प एचटी डॉक्स को पॉइंट करता है। और इसके बाद हमें क्या करना है, अपने फोल्डर का नाम देना है। फोल्डर का नाम क्या है, पी एच पी प्रोजेक्ट, क्या नाम है, पी एच पी प्रोजेक्ट, ये लिखना है। इतना लिखने से आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर खुल जाएगा, आप फाइल को क्लिक करिए, आपका प्रोग्राम चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपाइलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। देखो मैंने यहाँ पे किया लोकल होस्ट स्लैश, क्या नाम है, पी एच पी प्रोजेक्ट, लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे मैं सर्वर से कनेक्ट किया, लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी प्रोजेक्ट आई हैव रिटन हियर, अपने आप ये पी एच पी का फाइल यहाँ पे ओपन हो गया। इसका नाम क्या है, एग्जाम्पल वन डॉट पी एच पी आ गया, वेलकम इन पी एच पी, करेक्ट, समझ में आ गया। आप ये मत सोचो कि पी एच पी कोई एरर प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डबल कोड यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर डबल कोड को बंद कर दिया, मतलब डबल कोड मैंने यहाँ से फर्स्ट नंबर से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, देन आई विल रिफ्रेश दिस कंटेंट, ये सिंटैक्स एरर देता है। मतलब पीएचपी भी कौन सा एरर दे रहा है, पार्स एरर दे रहा है, क्योंकि इंटरप्रेटर इंटरप्रेट के साथ साथ पार्सिंग भी करता है। पार्सिंग करना मतलब कन्वर्ट करना, क्योंकि सीधी सी बात है, कन्वर्जन के बिना आपका आउटपुट कैसे आया, किसी भी चीज को पार्स करना मतलब होता है उसको कन्वर्ट करना। तो जैसे उसने कन्वर्ट किया वैसे ही उसको क्या किया, अनएक्सपेक्टेड उसको क्या मिला, एरर मिला, और उस एरर को उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। तो PHP के अंदर भी आपको एरर्स मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि PHP एरर नहीं देता। जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि PHP एरर नहीं देता, PHP में डेटा टाइप नहीं होता, ऐसा बिल्कुल गलत है। PHP में भी डेटा टाइप होता है, लेकिन आपको नहीं लिखना होता, वो इंटरनली उसको मैनेज करता है। PHP भी आपको एरर देता है, पार्स एरर और फैटल एरर। PHP में दो टाइप के एरर होते हैं, पार्स एरर और दूसरा फैटल एरर। फैटल एरर मतलब जो बिल्कुल इंटरप्रिटेशन के बाद, इंटरप्रेट होने के बाद यदि कोई एरर आता है उसे बोलते हैं फैटल एरर, और इंटरप्रिटेशन होने के पहले यदि कोई एरर आता है उसे क्या बोलते हैं, पार्स एरर। तो पीएचपी आल्सो हैज एरर, पीएचपी के पास भी एरर होती है। कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं हो सकती जिसमें एरर और डेटा टाइप नहीं हो, सभी लैंग्वेज में डेटा टाइप होती है, क्योंकि बिना डेटा टाइप के आप कोई भी प्रोग्राम को मैनेज ही नहीं कर पाते, मैनिपुलेट ही नहीं कर पाते। बस ये है कि आपको डेटा टाइप लिखना नहीं है, बट इट मैनेज डेटा टाइप इंटरनली, ये इंटरनली डेटा टाइप को मैनेज करता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे हमें प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, अब एक प्रोग्राम और अपन बनाते हैं। ये हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप हो गया, इंस्टॉल जैम्प सर्वर इन योर मशीन, ओपन जैम्प कंट्रोल पैनल एंड स्टार्ट अपाचे सर्वर, ओपन नोट पैड एंड राइट कोड, रन पीएचपी प्रोग्राम टू ओपन वेब ब्राउजर्स एंड टाइप यूआरएल लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट, पीएचपी प्रोजेक्ट ना फोल्डर का नाम, स्लैश यहाँ पे चाहो तो फाइल का नाम भी लिख सकते। तो इसे बोलते हैं यूआरएल, इसे क्या बोलते हैं, यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, करेक्ट। तो आपको इस तरीके से ये प्रोग्राम को